Hi guys, in this video we will begin with chapter 10 of Pride and Prejudice. और यहाँ पर मैंने ब्लू पेन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिया है, जिससे अगर आप लोग चाहें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, रेफरेंसेस और वर्ड्स के मीनिंग मैंने लिखा है, जिससे अगर आप लोग चाहें तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि बिना वोकैबुलरी को जाने इसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस में काफ़ी टफ और काफ़ी जटिल वोकैबुलरी होता है, तो बिना उस वोकैबुलरी का मीनिंग जाने हम लोग नहीं प्रोग्रेस कर पाएंगे। इसीलिए इसका मीनिंग जानना, सटीक उसका अर्थ जानना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो लेट अस बिगिन। सो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में क्या देखेंगे, पुअर जेन इज स्टिल रिकवरिंग इन हर रूम। जेन बेनेट जो कि बीमार पड़ गई थी बारिश में भींगने के कारण, वो अभी अपना हेल्थ रीगेन कर रही हैं, और बाकी का हाउस होल्ड यानी कि बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं घर के, जैसे कि मिसेस हर्स्ट हो गई, मिस कैरोलाइन बिंगले, डार्सी, मिस्टर बिंगले और एलिजाबेथ बेनेट भी, दे इंगेज इन ऑर्डिनरी इवनिंग ऑक्यूपेशंस। जैसे कि क्या क्या कर रहे हैं वो लोग, मिस्टर बिंगले इज प्लेइंग कार्ड्स विद हिज ब्रदर इन लॉ मिस्टर हर्स्ट, एलिजाबेथ का ही पेट नेम है लिजी इज रीडिंग, मिस्टर डार्सी इज राइटिंग अ लेटर एंड कैरोलाइन बिंगले इज फ्लर्टिंग विद हिम। फ्लैटर कर रही है, चापलूसी कर रही है। जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर में प्रोग्रेस करेंगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इस सीन में टेक प्लेस होता है। और जेन ऑस्टन ने काफी ही एक तरीके से आप लोगों को, रीडर्स को एक पिक्चर मिल जाए कि उस रूम में क्या क्या हो रहा है या घर में क्या क्या हो रहा है, इसीलिए बहुत ही डिटेल्ड वर्णन उन्होंने किया है। सो हैविंग सेड ऑल दिस, लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। सो दिस चैप्टर बिगिंस विद दीज लाइंस, द डे पास्ड मच एज द डे बिफोर हैड डन। यानी कि उस दिन भी कुछ खास नहीं हुआ, जैसा पिछला दिन बीता था वैसा आज का दिन भी बीता। Mrs. Hurst and Miss Bingley had spent some hours of the morning with the invalid. Invalid किसे बोला गया है? Jane Bennett को। Invalid मतलब क्या होता है? लंबे समय से बीमार व्यक्ति जिसे देखभाल की जरूरत है, उसे invalid कर कहते हैं। Who continued though slowly to mend. यानी कि Jane Bennett का health improve हो रहा है, और Mrs. Hurst और Miss Bingley, यानी कि मिस्टर बिंगले की जो दोनों बहन है, मिस कैरोलाइन बिंगले और मिसेस हर्स्ट, वो लोग थोड़ा समय बिताती हैं जेन बेनेट के साथ, जो कि अब थोड़ा सा ठीक हो रही है, मेंड हो रही है, मतलब फिक्स, उसका हेल्थ फिक्स हो रहा है। एंड इन द इवनिंग एलिजाबेथ जॉइंड देयर पार्टी इन द ड्रॉइंग रूम। इवनिंग में एलिजाबेथ उनको ज्वाइन करती है पार्टी में, ड्रॉइंग रूम में। द लू टेबल, लू को लैंटर लू भी बोलते हैं। लैंटर लू एक तरीके का गेम होता है, अ कार्ड गेम होता है, ताश पत्ती टाइप का गेम आप समझ सकते हैं। तो वो हाउएवर डिड नॉट अपीयर। सर्वेंट्स या जो भी वहां पर हाउस स्टाफ होंगे, उन्होंने लैंटर लू टेबल नहीं लाया, बल्कि दूसरा ही गेम खेल रहे थे। उस गेम का नाम है पिकेट, PIQUET, और पिकेट क्या होता है? अ कार्ड गेम फॉर टू प्लेयर्स। दो लोग जो कार्ड गेम खेलते हैं उसको पिकेट कहते हैं, और लैंटर लू में काफी ज्यादा मेंबर लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिस्टर डार्सी वॉज राइटिंग, मिस्टर डार्सी चिट्ठी लिख रहे थे, लेटर लिख रहे थे। किसको लिख रहे थे? अपनी बहन को, जॉर्जियाना डार्सी को। एंड मिस बिंगले सीटेड नियर हिम वॉज वॉचिंग द प्रोग्रेस ऑफ हिज लेटर एंड रिपीटेडली कॉलिंग ऑफ हिज अटेंशन बाय मैसेजेस टू हिज सिस्टर। और मिस बिंगले मिस्टर डार्सी के बगल में बैठी थी, और मिस बिंगले यहाँ पर पूरा उनका चापलूसी करती है, फ्लैटर करती है, फ्लर्ट करती है, और बहुत ही टोडिंग वे में बिहेव करती है। टोडिंग मीन्स जस्ट अ मिनट, एक्ट इन एन ऑब्सिक्यूअस वे, यानी कि वही चापलूसी कर रही है वहां पर उनका। एंड शी इज पाइलिंग अप कॉम्प्लीमेंट्स ऑन हिम, बट ये सब वेन में जाता है क्योंकि मिस्टर डार्सी उसको अटेंशन नहीं देते हैं, मिस्टर डार्सी को वो कुछ खास पसंद नहीं है, और उसका चापलूसी एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट्स रहता है हर हमेशा, तो मिस्टर डार्सी कैन सी थ्रू इट। तो मिस्टर डार्सी वॉज राइटिंग अ लेटर, और मिस बिंगले उनका चापलूसी कर रही थी, और बार बार उनका अटेंशन अपने तरफ डाइवर्ट करने का कोशिश कर रही थी। इतना हो गया। नाउ मिस्टर हर्स्ट एंड मिस्टर बिंगले वेर एट पिकेट, यानी कि मिस्टर बिंगले अपने ब्रदर इन लॉ के साथ पिकेट खेल रहे थे। एंड मिसेस हर्स्ट वॉज ऑब्जर्विंग देयर गेम, और इनकी जो वाइफ है मिस्टर हर्स्ट की, मिसेस हर्स्ट यानी कि मिस्टर बिंगले की जो बहन है, जो कि मैरिड है, वो उन लोगों का गेम ऑब्जर्व कर रही थी। ये पैराग्राफ हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ,
Elizabeth took up some needlework and was sufficiently amused in attending to what passed between Darcy and his companion. His companion किसको बोला गया है? Miss Bingley को. Elizabeth कुछ needlework, कुछ सुई धागा का काम उठाती है और वो काफी अपने आप को amusement, उसके लिए ये बहुत ही entertainment का विषय हो गया था जो Darcy और Miss Bingley के बीच में चल रहा था. यानी कि Miss Bingley जो flirt कर रही थी और Mr. Darcy जो कोई भाव नहीं दे रहे थे. मिस बिंगले का कुछ भी दाल यहाँ गल नहीं रहा था, तो ये बहुत ही एंटरटेनमेंट और बहुत ही फनी हो गया था एलिजाबेथ के लिए, हंसी का एक सोर्स हो गया था. द परपेचुअल कमेंडेशंस, कमेंडेशंस मींस एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज ऑफ द लेडी. लेडी कौन है? मिस बिंगले. आइदर ऑन हिज हैंड राइटिंग और ऑन द इवननेस ऑफ हिज लाइन्स और ऑन द लेंथ ऑफ हिज लेटर एंड द परफेक्ट अनकंसर्न विथ विच हर praises were received formed a curious dialogue and was exactly in union with her opinion of each. ab iska kya matlab hai? the perpetual commendations of the lady, iska matlab hai jo miss bingley was basically piling up compliments on mr darcy. kis cheez mr darcy ka wo tareef ke kabil miss bingley maan rahi thi? unka handwriting, unka jo bhi calligraphy skill hoga, aur the evenness of his lines, jitna wo acche se likh rahe hain, और ऑन द लेंथ ऑफ हिज लेटर की कितना अच्छे से वो लिख रहे हैं, कितना ज्यादा लिख रहे हैं, लंबा चौड़ा लेटर एक लिख रहे हैं. विद अ परफेक्ट अनकंसर्न विद विच हर प्रेजेस वर रिसीव्ड. मिस्टर डार्सी जो है, कुछ मिस्टर डार्सी को मतलब नहीं है और उनके लिए ये मैटर ही नहीं करता है कि कितना प्रेज कर रही है. उनको दिख रहा है कि ये एम्प्टी कॉम्प्लीमेंट्स है, इसका चापलूसी कर रही है बेसिकली. और मिस्टर डार्सी कुछ खास पसंद नहीं आया ये चापलूसी, ये फ्लैटरी, ये फ्लर्टेशियस नेचर कुछ खास पसंद नहीं आया. इसीलिए मिस्टर डार्सी वॉज जस्ट एक लेड बैक एटीट्यूड के साथ ये सारा प्रेजेस रिसीव किए और कुछ खास इनको मन नहीं हुआ और ये सब एक क्यूरियस डायलॉग फॉर्म किया और ये डायलॉग अभी हम लोग आगे देखेंगे. एंड वॉज एग्जैक्टली इन यूनियन विथ हर ओपिनियन ऑफ ईच. यूनिसन होगा यहाँ पर, इन यूनिसन विथ हर ओपिनियन ऑफ ईच. इसका मतलब क्या है? मिस एलिजाबेथ बेनेट जो भी ओपिनियन फॉर्म की थी मिस्टर डार्सी और मिस बिंगले के लिए, वो यूनिसन में था, वो इस चीज के सिंक में था कह सकते हैं. उसका ओपिनियन यही था कि मिस बिंगले जो है वो मैन हंग्री है, स्नोबिश है, फ्लर्टेशियस है, तो उसका ये चेकलिस्ट हो जाता है. और मिस्टर डार्सी जो है, मिस्टर डार्सी बहुत ही लेड बैक एटीट्यूड है, मिस्टर डार्सी बहुत प्राउड नेचर के हैं, रिजर्व नेचर के हैं, तो दोनों के लिए जो ओपिनियन फॉर्म की थी, जो प्रेजुडिस फॉर्म की थी या जो भी उसका पर्सनल ओपिनियन या व्यूज था, वो उससे मैच कर रहा था, सिंक में था. हाउ डिलाइटेड मिस डार्सी विल बी टू रिसीव सच अ लेटर. ये मिस कैरोलाइन बिंगले बोल रही है कि मिस जॉर्जियाना डार्सी कितना खुश होगी अपने भाई का ये लेटर पा करके. ही मेड नो आंसर, कोई जवाब तक नहीं दिए, यानी कि बेइज्जती का हद हो गया, कुछ जवाब नहीं दिए. और मिस्टर डार्सी और यू, फिर मिस कैरोलाइन बिंगले क्या बोलती हैं? यू राइट अनकॉमनली फास्ट, आप तो काफी तेज लिखते हैं. तब मिस्टर डार्सी क्या बोलते हैं? यू आर मिस्टेकन, आई राइट रादर स्लोली, आपको गलत फहमी हुई है, मैं तो काफी स्लो लिखता हूँ. अब क्या बोल रही हैं? ये मिस कैरोलाइन बिंगले अब बोलती हैं, हाउ मेनी लेटर्स यू मस्ट हैव ओकेशन टू राइट इन द कोर्स ऑफ अ ईयर. आप एक साल में कितना लेटर्स लिख लेते हैं? लेटर्स ऑफ बिजनेस टू, आपको तो बिजनेस भी संभालना होता होगा, व्यापार भी संभालना होता होगा, या बिजनेस ट्रांजेक्शन जो भी होता होगा वो भी संभालना होता होगा. तो हाउ ऑडियस आई शुड थिंक ऑफ देम. अब बेसिकली ये फीमेल है, तो फीमेल को बिजनेस में उतना इंटरेस्ट नहीं होगा, फाइनेंसेस में उतना इंटरेस्ट नहीं होगा. वो बोली, हाउ एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट आई शुड थिंक ऑफ देम. बिजनेस लेटर्स जो भी है या बिजनेस का जो भी कारोबार है, वो इसके लिए कोई खास इंटरेस्ट का सोर्स नहीं है. उसको मिस कैरोलाइन बिंगले को बिजनेस लेटर्स में या बिजनेस में या फाइनेंसेस में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, तो वही बोल रही हैं कि हाउ एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट आई शुड थिंक ऑफ देम. सो आप ये फुटनोट लिख सकते हैं, मिस बिंगले इज ट्राइंग इन वेन टू प्रोवाइड सम कन्वर्सेशन स्टार्टर्स बाय कॉम्प्लीमेंटिंग हिम, बाय कॉम्प्लीमेंटिंग मिस्टर डार्सी. मिस बिंगले चाह रही है कि कोई कन्वर्सेशन उन दोनों के बीच में हो. नाउ अब मिस्टर डार्सी क्या बोलते हैं? It is fortunate then that they fall to my lot instead of yours. ये तो काफी अच्छा बात है, ये तो काफी लक का बात है, काफी खुशकिस्मती है कि ये मेरे हिस्से में आता है. Business letters मेरे हिस्से में आता है, ना कि आपके. Pray tell your sister that I long to see her.
अब मिस कैरोलाइन बिंगले बोल रही हैं कि आप अपनी सिस्टर को बोलिएगा कि मैं उसे देखना चाहती हूँ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हर सो वंस बाय योर डिजायर। मैंने मिस्टर डार्सी बोलते हैं मैंने उसे पहले ही ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं कि आपके आपका मन है उसे देखने का। अब मिस कैरोलाइन बिंगले क्या बोल रही हैं, अब ये बहुत ही क्या बोला जाए, एक चापलूस है, फ्लैटरी, फ्लर्टेशियस नेचर, यही दिख रहा है इन सब डायलॉग्स में, कुछ खास है नहीं, इजी टू अंडरस्टैंड आई गेस। आई एम अफ्रेड यू डू नॉट लाइक योर पेन, लेट मी मेंड इट फॉर यू। मुझे लगता है कि आपको अपना पेन पसंद नहीं आ रहा है, लेट मी मेंड इट, शार्पन द क्विल्स ऑफ पेन, यानी कि अभी जैसे चलता है बॉल पेन या जेल पेन, उस समय तो नहीं चलता होगा 18th century में, तो वही है, शार्पन द क्विल्स ऑफ पेन फॉर यू, लेट मी मेंड इट, जैसे पेंसिल शार्प अभी हम लोग करते हैं वैसे ही शी वॉन्ट्स टू मेंड द पेन फॉर हिम। आई मेंड पेन्स रिमार्केबली वेल, मैं पेन्स को बहुत अच्छा छिलती हूँ या जो भी उसको अच्छा से शार्पन करती हूँ, जैसे कि इसमें बहुत कुछ रॉकेट साइंस है या बहुत आर्टिस्ट आर्टिस्ट वाला चीज है, ये ऐसे अपने आप को बोस्ट कर रही है। थैंक यू बट आई ऑलवेज मेंड माई ओन, मिस्टर डार्सी बोलते हैं शुक्रिया लेकिन मैं अपना पेन हमेशा खुद ही मेंड करता हूँ। हाउ कैन यू कंट्राइव टू राइट सो इवन, कंट्राइव मीन्स मैनेज टू डू समथिंग ऑल दो देर आर डिफिकल्टीज। हाउ कैन यू कंट्राइव टू राइट सो इवन मतलब आप इतना अच्छा कैसे लिख सकते हैं बावजूद इसके कि इतना कठिनाइयां इसमें होती है। ही वॉज साइलेंट, ही वॉज बेसिकली डिसइंटरेस्टेड, इतना ये पकाऊ और उबाऊ टाइप की है मिस कैरोलाइन बिंगले की, इतना सब सुन सुन के वो पक चुका है, कोई भी पक जाएगा इंसान। अब फिर मिस कैरोलाइन बिंगले क्या बोलती हैं, टेल योर सिस्टर आई एम डिलाइटेड टू हियर ऑफ हर इम्प्रूवमेंट ऑन द हार्प। हार्प क्या होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर आप लोग गूगल करेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा कि हार्प कैसा दिखता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली होता है। तो वो लोग का एकम्प्लिशमेंट्स का लिस्ट आप लोग पिछले चैप्टर्स में देखे ही होंगे, मैंने बताया ही है कि कैसे एकम्प्लिशमेंट में वो लोग क्या क्या गिनते हैं, सिंगिंग स्किल, डांसिंग स्किल, उसके बाद पेंटिंग या कुछ भी टेबल क्लॉथ बनाना, ये सब एकम्प्लिशमेंट होता है उन लोगों का। तो वही है मिस जॉर्जियाना डार्सी भी ऑब्वियसली रिच है, अपर क्लास से है, तो उसका एकम्प्लिशमेंट है यही, हार्प पे उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे कि ये पियानो फोर्टे बजाती हैं मिस कैरोलाइन बिंगले, तो वैसे ही वो हार्प बजाती होंगी, सीख रही होंगी और काफी तरक्की कर ली होंगी, काफी उसमें स्किल अक्वायर कर ली होंगी। एंड प्रे लेट हर नो that I am quite in raptures with her beautiful little design for a table and it is infinitely superior to Miss Grantley's। और उन्हें बताना, raptures means a feeling of extreme happiness, उत्साह को बोलते हैं raptures। And pray let her know that I am quite in raptures with her beautiful little design for a table। और उन्हें बताना कि मैं तो इतनी ज्यादा खुश हो गई थी इतना प्यारा डिजाइन जो वो टेबल पे बनाई थी, यानी कि टेबल क्लॉथ होगा कुछ या टेबल पे नक्काशी टाइप का कुछ की होंगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एंड आई थिंक इट इनफाइनाइटली सुपीरियर टू मिस ग्रांटलीज, और मिस ग्रांटली जो टेबल क्लॉथ बनाई थी या टेबल पे जो डिजाइन बनाई थी उससे तो काफी ज्यादा अच्छा बना था। And you know, Miss Grantley is a character who is mentioned by Caroline Bingley, but she never actually appears in Pride and Prejudice. So, ये Miss Grantley is not important, that important. बस नाम है, देख लीजिए. So, यहाँ तक तो हो गया, और आगे देखते हैं. Will you give me the leave to defer your raptures till I write again? अब मिस्टर डार्सी जो है वो काफी पक चुके हैं और सोचे कि अब जरूरी है उसे बोलना, जस्ट अ मिनट, काफी पक चुके हैं और वो कन्फ्रंट करते हैं, वो बोलते हैं विल यू गिव मी लीव टू डेफर, मतलब डेफर मतलब होता है टू लीव समथिंग अंटिल अ लेटर टाइम। और इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो इसका मतलब होता है स्थगित करना या टालना, डेफर मतलब होता है स्थगित करना, पोस्टपोन करना बेसिकली। तो वो बोल रहे हैं कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा अपना टाइम दोगी कि मैं तुम्हारे उत्साह से अलग कुछ अपना लिख सकूं, थोड़ा सा आप मुझे ये समय दीजिए कि मैं आपके रैप्चर्स से अपना ध्यान इस तरफ लिखने की तरफ ला सकूं। At present I have not room to do them justice। अभी तो फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है कि आपके उत्साह के साथ साथ मैं भी उत्साहित हो सकूं या आपके उत्साह में आपको ज्वाइन कर सकूं।
Oh, it is of no consequence. I shall see her in January. But do you always write such charming long letters to her, Mr. Darcy? तो वो बोलते हैं और ओह इट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, इससे कोई मतलब नहीं रहता है, इसका कोई कॉन्सिक्वेंस यानी कि इसके आफ्टर इफेक्ट इसका कुछ नहीं होता है. आई शैल सी हर इन जनवरी, मैं जॉर्जियाना डार्सी को जनवरी में देखूंगी, उनसे मिलूंगी. लेकिन क्या आप हमेशा इतना चार्मिंग, इतना अच्छा लंबा लंबा लेटर लिखते हैं मिस्टर डार्सी? दे आर जनरली लॉन्ग बट वेदर ऑलवेज चार्मिंग इट इज नॉट फॉर मी टू डिटरमाइन. तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं काफी लंबा लेटर्स तो लिखता हूँ, लेटर का लेंथ काफी लंबा हो जाता है, लेकिन हमेशा चार्मिंग होता है ये मेरे लिए डिसाइड करने का बात नहीं है. यानी कि ये थोड़े हम्बल भी हैं मिस्टर डार्सी कि हाउ कैन समवन प्रेज, अपना ही खुद का कैसे कोई बोस्ट कर सकता है या अपना ही कुछ कैसे कोई गुणगान कर सकता है, दूसरा कोई डिसाइड करेगा. जैसे कि अगर कोई बोलता है कि आर यू हम्बल, तो क्या हम लोग बोलेंगे? It is not for me to decide ki whether I am humble or not. It is for people to decide. To yahi hota hai. It is a rule with me that a person who can write a long letter with ease cannot write ill. Miss Bingley bolti hai, Miss Caroline Bingley bol rahi hai ki ye mera niyam hai. Mere man mein to ye ek rule type ka baitha hua hai ki jo log lamba lamba letter likhte hain wo kharab nahi likh sakte kabhi. और ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ड्स का चॉइस बहुत ज्यादा होता होगा या फिर नहीं खराब लिख सकते हैं, उसका बेसिकली यही कहना है. क्यों ऐसा है, ऐसा वो सोचती है, ये तो वही जाने. That will not do for a compliment to Darcy, Caroline, cried her brother, because he does not write with ease. He studies too much for words of four syllables. Four syllables मतलब four syllable words हो गया, जैसे psychology. उसमें आप लोग अगर जानते होंगे तो कहाँ पर स्ट्रेस देना है, वो सिलेबल्स अलग ही टेक्निकल टर्म है. तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोल रहे हैं मिस्टर बिंगले, अब बोलते हैं कि ये मिस्टर डार्सी जो है वो हर हमेशा आसानी से नहीं लिखते हैं, विद एट ईज मतलब कंप्लीट एकदम आसानी से या एकदम सुलझे हुए मन से नहीं लिखते हैं. वो काफी हद तक पहले पढ़ते हैं, काफी स्टडी करते हैं फोर सिलेबल वर्ड और तब लिखते हैं. डू नॉट यू डार्सी, क्या तुम ऐसा नहीं करते डार्सी? माई स्टाइल ऑफ राइटिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर्स, मेरा जो लिखने का तरीका है वो काफी अलग है आपसे, वो काफी अलग है तुमसे. ये मिस्टर डार्सी बोल रहे हैं मिस्टर बिंगले को. Oh, cried Miss Bingley. Charles writes in the most careless way imaginable. अपने भाई का बुराई कर रही है, लिखने का बुराई कर रही है. बोल रही है कि इतना ही careless और इतना ही निकम्मापन से लिखते हैं, या इतना ही carelessness मतलब वही वह कुछ ध्यान नहीं दे करके लिखना. और he leaves out half his words and blots the rest. यानी कि abbreviation में लिखते हैं, shortcut में लिखते हैं. He leaves out half his words मतलब आधा आधा लिख करके छोड़ देते हैं. हाँ, अब मिस्टर बिंगले क्या बोलते हैं? ये मिस्टर बिंगले बोल रहे हैं, माई आइडियाज फ्लो सो रैपिडली दैट आई हैव नॉट टाइम टू एक्सप्रेस देम, बाय विच मींस माई लेटर्स समटाइम्स कन्वे नो आइडियाज एट ऑल टू माई कोरेस्पोंडेंट्स. इसमें क्या बोल रहे हैं मिस्टर बिंगले कि मेरा जो दिमाग में जो आइडिया चल रहा होता है या जो भी थॉट्स आ रहा होता है वो इतना रश करके आता है, इतना दौड़ता है, मतलब सबका माइंड चलता है, इनका माइंड दौड़ता है और टाइम ही नहीं बचता है कि उसको सही तरीके से आर्टिकुलेट कर पाए शब्द में. ही कांट आर्टिकुलेट हिज थॉट्स इन वर्ड्स, एक्सप्रेस करने में लैक करने लग जाते हैं, उसका एक्सप्रेशन उसको एक शब्द रूप देने में लैक करने लग जाते हैं, एक्सप्रेशन में नहीं तब्दील कर पाते हैं. By which means my letters sometimes convey no ideas at all to my correspondents. जिससे बहुत बार ऐसा होता है कि जो लेटर हम लिख रहे होते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है जो भी लेटर का रिसीवर होता है. Your humility, Mr. Bingley, said Elizabeth, must disarm reproof. इसका मतलब क्या हुआ? Just a minute. She means that nobody could make any reproach to Mr. Bingley because he is so humble. Reproach मतलब होता है निंदा या आलोचना करना, कि आप इतने ही humble हैं कि कोई भी आपको blame या shame नहीं करेगा. तो यही basically कहने का मतलब है. And the rest all, और ये हम लोग, ये सारा हम लोग फिर next video में करेंगे. Till then, keep learning and yeah, thank you so much.